नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। अच्छा, 6 की गणित लगा रहे हैं दोस्तों, 10.1 एनसीईआरटी किताब का मेंसुरेशन चैप्टर क्षेत्रमिति कह रहा है, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर है और चौड़ाई 125 मीटर है के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। बाड़ लगाना है दोस्तों, यहाँ पे भी खेत है दोस्तों। खेत कैसा है हमारा? आयताकार। आयताकार कैसा होता है खेत? आयताकार में दोस्तों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, परंतु भुजाएं जो दोस्तों हैं वो सिर्फ आमने सामने की ही बराबर होती हैं। इस तरीके से दोस्तों, कुछ कुछ इस तरीके से। ये हमारा 175 मीटर है, ये वाला भी 175 मीटर, ये है हमारा 125 मीटर और ये वाला भी है 125 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आयताकार बगीचा है और दोस्तों सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। इस तरीके से जैसे दो दीवारें जहां मिलती हैं, देखते होंगे आप, सभी कोण 90 डिग्री हैं। और वर्ग जो है दोस्तों हमारा, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मगर इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। कोण तो उसके भी सभी 90 डिग्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा आयत। अब हमें क्या करना है दोस्तों? हमें लगाना है बाड़। बाड़ लगाना है दोस्तों, बाड़ लगाना है हमें। खेत है हमारा, कहीं उसमें कोई जंगली जानवर और या आके फसल हमारी बर्बाद ना कर दे, हमारी मेहनत सारी रातों रात खराब हो जाए, इसलिए हम एक बाड़ लगा रहे हैं ताकि फसल हमारी सही रहे और कोई सेफ्टी रहे थोड़ा, है ना। तो दोस्तों ये बाड़ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से मान लीजिए शुरू किया हमने, तार ये वाला लगाया, फिर ये वाला तार लगाया, फिर ये वाला तार लगाया, फिर ये वाला तार लगाया। इस तरीके से हम घेराबंदी कर रहे हैं अपने अपने जो बगीचा है हमारा। ठीक है दोस्तों, उसमें बाड़ लगा रहे हैं। तो असल में बाड़ लगाने में जो तार लगेगा दोस्तों, बाड़ लगाने में जो तार लगेगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों? वो दोस्तों परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि परिमाप भी यही होता है, एक जगह शुरू करो पूरा घूम के वहीं आ जाओ, है ना। किसके बराबर होगा ये? परिमाप के बराबर होगा। परिमाप फिर कितना हो जाएगा? यहां से मान लीजिए हम शुरू करते हैं, 125, 125, 175, इसी को दो बार दोस्तों, इसी को दो बार करना है पूरा। ये भी 125, 175 है, 200, 300, 2 × 300 दोस्तों कितना आ गया? 600 मीटर। 600 मीटर तो आ गया दोस्तों। बाड़ लगाने में कुल कितना तार लगेगा और लागत कितनी लगेगी, कितने रुपए लग जाएंगे दोस्तों? यहाँ लिखा है 12 रुपए प्रति मीटर है हमारा तार। 600 मीटर है ये और 12 रुपए प्रति मीटर तार की लागत, तार लगाने की, बाड़ लगाने की। मीटर से मीटर दोस्तों आप काट दें तो हमारा आ जाएगी लागत 12 × 72, 7200 रुपये। 7200 रुपये इसका आ गया दोस्तों उत्तर। ठीक है, समझ गए दोस्तों? धन्यवाद।